बोल ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल ये मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोल ये द्वारकाधीश महाराज की जय। बोल ये सांवरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भावना की ज्योत को जला के देखिए और बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। इन पंक्तियों में जो सच्चाई छुपी है कि भक्त और भगवान का रिश्ता क्या होता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, जैसे श्री राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए, किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के घर साग और रोटी खाई, किस तरह श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के कच्चे चावल खाए। भक्त और भगवान के इसी तरह के इस पावन रिश्ते को बताने के लिए जो मैं भजन सुनाने जा रहा हूं, वह किसी कवि की कल्पना नहीं बल्कि सच्ची घटना है, जिसमें एक ऐसी भगवान श्री कृष्ण की दीवानी महिला जो बचपन से वृंदावन धाम जाती थी, समय अपनी रफ्तार से चलता गया, वो बड़ी हो गई और उसका विवाह भी हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े समय बाद प्रभु की असीम कृपा से बाल गोपाल हो गए, मगर फिर भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। समय बीतता गया, बच्चों की भी शादी हो गई, मगर वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, फिर भी वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। परंतु कहा जाता है कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। उस महिला ने जब ये देखा कि उसका शरीर अब साथ नहीं देता, तो अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहां से अष्ट धातु की कन्हैया जी की मूर्ति ले आई और बड़े लाड़ प्यार से उसकी सेवा करने लगी। आइए, उस महिला की जिंदगी में ऐसी कौन सी घटना हुई, वह इस भजन के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या भगत के वश में है भगवान? भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान।
मुरली वाले की, रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वो लागे उससे, प्यार करने वो लागे उससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, के लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, के लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लल्ला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। क्या हुआ और कैसे हुआ, समय का चक्र चलता है और कुछ समय बाद जन्माष्टमी का दिन आता है, और उसी दिन उस वृद्ध महिला का स्वास्थ्य खराब होने के कारण खटिया पर लेटे लेटे उसने अपनी बहू को आवाज दी और कहा, बेटी आज जन्माष्टमी का दिन है, तुम जरा लल्ला को स्नान तो करा दो, और उसे चंदन का लेप लगा के सुंदर से वस्त्र पहना के उसे पल्ले में बिठा दो। बहू जो बहुत जरूरी काम में व्यस्त थी, कहा, माँ मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, मेरा काम खत्म होते ही मैं लल्ला का काम कर दूंगी। ये सुनकर उस महिला ने कहा कि मेरे घर पर हमेशा से पहला काम मेरे लल्ला का ही होता आया है, इसलिए सबसे पहले मेरे लल्ला का ही काम होगा, इसके बाद तुम कोई भी काम करती रहो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर बहू जो थोड़ा गुस्से में आ गई और झुंझला कर
उसने कन्हैया जी की मूर्ति उठानी चाहिए और जैसे ही लल्ला की मूर्ति उठाई और मूर्ति उसके हाथों से गिर पड़ी। मूर्ति गिरते ही वो महिला बोली, क्या